हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद व्लॉग बनाने का मुझे मौका मिल रहा है। एक्चुअली यार, मैं अपने बहुत ज़्यादा केसेस के रश की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैंने कहा अपने जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे वॉचर हैं, उनसे भी मुलाकात ज़रूरी है। अदरवाइज सोचेंगे पता नहीं तारिक साहब जो है वो मायूस हो गए और इस वजह से नहीं कर रहे। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊं। मेरा नाम तारिक महमूद ए खान एडवोकेट है और मैं बाय प्रोफेशनल जो है लॉयर हूं और कराची में प्रैक्टिस करता हूं और यहीं पर होता हूं ज़्यादातर। बाकी आपके सामने हर चीज़ को अपडेट करता हूं। तो इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है हमारा कराची का, यहाँ कराची के चार डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, यानी चार डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन जज यहाँ बैठते हैं। तो इस वक्त मैं इसको सिटी कोर्ट कहते हैं, हम कराची बार एसोसिएशन जो है बार है हमारी। तो इस वक्त मैं एमएजना रोड पे मौजूद हूँ। अपनी गाड़ी को मैंने साइड पे पार्क किया है, अंदर बड़ा रश होता है और रश की वजह से मैं गाड़ी जो है कोशिश करता हूँ कि एमएजना रोड पे ही पार्क करूँ। कराची बार में पार्किंग अवेलेबल है, बड़ी तादाद में गाड़ियाँ अवेलेबल, पार्किंग अवेलेबल है, सीपीएलसी पार्किंग अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट लॉयर के लिए होंगे। तो मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क किया है। मैंने कहा चलें, निकलना होता है क्योंकि हाई कोर्ट में केसेस होते हैं। तो आज मेरे केसेस यहाँ भी सिटी कोर्ट में भी हैं और इनको मैं अटेंड करूँगा। मेरा नंबर जो है तकरीबन 11:30 के करीब जो आएगा। मैंने वहाँ अपने एसोसिएट को डिप्यूट किया है कि जैसे ही करीब करीब नंबर आए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। नंबर्स ये होता है कि भाई आज जो अगर फ़र्ज़ करें कोर्ट में 60 केस लगे हैं, 60 केस लगे हैं, तो वो हमें इन्फॉर्म करेगा कि सर आज केस का नंबर ये चल रहा है। तो इस वक्त हम अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके यहाँ से मूव करते हैं। ये आपको जो है मैं खूबसूरत मनाजिर भी दिखाता हूँ सुबह सुबह के। और ये आपको बिल्डिंग देखें, स्ट्रक्चर जो है ये पुराने दौर का है, ये आप पहले भी देख चुके हैं। बिल्कुल साथ ही जो है वो डेंस हॉल आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए अगर हम इसको बिल्कुल छोटा करके देखें तो ये डेंस हॉल है। ये एमएजना रोड जो यहाँ से पोर्ट की तरफ जाता है, ये जो है कोर्ट का, ये एमएजना रोड है। तो आप इससे वाकिफ, तो फिर आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं गेट से एंटर हो रहा हूँ। सिक्योरिटी जो है वो बहुत हाई अलर्ट है। गेट से अंदर जाने के बाद माल काजिस कोर्ट जो है किसी वक्त में होते थे, आजकल तो नहीं है। आजकल तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक कोर्ट जो है स्माल काजिस कोर्ट बना दिया है। और इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में, देखें खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ है। यहाँ पर पेशी आने वाले जो हैं वो एंजॉय करते हैं। जजेस की और वकला साहिबान की आमदोरफ़ जारी है क्योंकि इस वक्त सुबह के तकरीबन 8:30 बजे हैं। और इस तरह जो है, क्या हाल है यासिन भाई? ठीक है, तबीयत ठीक है? इसी तरह जो है अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी गली से होके ये डिस्ट्रिक्ट साउथ की पुरानी बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग, यहाँ पर जुडिशल अफसरान बैठते हैं। कराची बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त जो है सी चौक, हमारे आज सी चौक वाले बैठे हुए नहीं हैं। आई डोंट नो कि क्या हुआ आज, कोई ऐसा कोई बाइकआउट किया है उन्होंने, क्या किया है, आज सी चौक जो है मौजूद नहीं है। तो मैं देखता हूँ ये कहाँ बैठे हैं। सर्दी भी नहीं है, अगर सर्दी होती तो देखा जाता कि भाई यहाँ पर सी चौक वाले मौजूद नहीं हैं। ये सी चौक, ये जो जगह जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, ये जगह सी चौक। सी चौक से कई लफ्ज़ बनते हैं, चरिया चौक, सिविलाइज चौक और इस तरह के सिविक चौक। ये देखें चौक इसलिए कि इसके चारों तरफ जो है वो ये पुरानी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। ये भी अंग्रेज़ बहादुर की याद को ताज़ा करती है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की ये बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है ये भी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की है। और सामने जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, चाय वगैरह, फोटो स्टेट, ये बाथरूम है, बाथरूम। और इसी तरह जो है अपनी ज़िंदगी को हम गुजार रहे हैं। ये जो है सी चौक है, ये नीम का दरख्त है। यहाँ वकला साहिबान की बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लगभग तादाद जो है कराची बार के मेम्बर्स की है। सर कैसे हैं आप? ठीक है साहिद भाई? कैसे हैं सर? आज ये हमारे सी चौक वाले लापता है सर, लगता है कि ये सी चौक पे कोई उस्ताद आ गया। आज तो सर्दी भी नहीं है, ना सर्दी है ना गर्मी है ना बारिश है। और आज हमारे सी चौक पूरी गायब है, इनको तलाश कर रहा हूँ मैं इनकी आखिरी लम्हा तक। साईं सी चौक गायब आज?
काडे में बा तबाह करे छड़ो यार तबाह करे छड़ो एक मिनट यार बेगम की फोन आ रहा है मुझे यार हेलो काफ़ी तलाश के बाद जो है सी चौक के मेम्बरांस को डिस्कवर कर लिया हमने। यार ये आज बाहर क्यों नहीं बैठे आप लोग भाई क्या मसला है? असल में हमारे जो शाही जो मुलाजिम है औरंगजेब साहब वो गए हुए शायद तीन रोज़ा इज्तिमा तबलीग का शायद तीन रोज़े में गए हुए तो लोगों में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है लोग ढूंढ रहे हैं क्या सी चौक ना गर्मी है ना सर्दी है मौसम है बहारा में सी चौक जो है गायब है नहीं लोगों को पता है अल्टरनेट हमारा जगह यहाँ पर है अगर वहाँ खुद से नहीं लेंगे तो लोग यहाँ आएंगे एक जो अल्टरनेटिव बंदा भी रख लें आप नहीं हमारा सी चौक पे आप तो चेयरमैन हो आपको तो रूल एंड रेगुलेशन एक 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 अल्टरनेटिव नहीं ये क्या क्या रख ले रख लेने की क्या मकसद ऐसी मतलब चाबी मुझे दे दे यार मुझे चाबी दे दो मैं 7 बजे आके खोल दिया करूँ यार अगर हम आपको चाबी दे वे, तो कुर्सी की गारंटी कौन लेगा यार हम ही लेंगे दादा इसके बाद चाबी हम अपने में से सबसे ज्यादा तेज बंदे को बनाते हैं चेयरमैन मतलब कार्य की तेज आदमी मतलब समझ जाओ मैं मीडिया में तो नहीं कह रहा शहजाद भाई असल में शहजाद भाई आजकल जो है ना बहुत बिजी हैं क्योंकि अभी अपकमिंग जो इलेक्शन आ रही है कैंडिडेट उसके बारे में कैलकुलेशन कर रहे हैं कौन से कैंडिडेट जो है वो अच्छी पोजीशन पे हैं कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो वीक टाइप के हैं उस पर उसकी कैलकुलेशन चल रही है बिल्कुल बिल्कुल सब ऐसे ही लगे यस मोबाइल देख रहे हैं लेकिन सोच कुछ और है सोच कुछ और इस वक्त मैं एफ ब्लॉक में मौजूद हूँ ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ के कुछ कोर्ट्स वगैरह लगते हैं और ये ब्लॉक एफ है यहाँ पर टोटल फर्स्ट फ्लोर पे जुडिशियल अफसरान जो बैठते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब सर कैसे हैं आप ठीक हैं वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से उनका ताल्लुक है यहाँ पर कुछ एडिशनल सेशन जा रहे हैं और बाकी तकरीबन जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते हैं फैमिली कोर्ट्स भी जारी हैं और ये इस वक्त गहमा गहमी है इस वक्त ज़ाहिर है आपको पता है कि इस वक्त कोर्ट टाइमिंग है दिन क्या ऐसे इस तरह लगे होते हैं जाकिर अली जखरानी साहब इस तरह बाकी सारे बैठे हैं और सारा सिलसिला इसी तरह चलता रहता है सुबह में आप देखें और इसके बाद आप रश देखें आप कितना रश है देख रहे हैं आप कैसा रश चल रहा है सारे के सारे जो है क्लाइंट और वकील बहुत रश है यहाँ पर अरे थोड़ी देर में एक घंटे के बाद तो यहाँ सिर्फ आपको काले कोट ही नज़र आएंगे सर जहाँ आप नज़र करेंगे वहाँ वकील होंगे और उसके बाद काशानी साहब इस वक्त बड़ा जमा गफीर है ये शेर कराची बार बैठे हुए शेर कराची बार नईम साहब चाचा कढ़ाई कब मिलेगी कैसे हो क्या हाल चाल है ठीक ठाक नईम कुरैशी साहब तलाश में लगे हुए यार आप लिफ्ट नहीं कर रहे यार ये क्या मसला है अपने भतीजों को सपोर्ट कर रहे हैं ये कैदी वैदी बैठे हुए हैं यहाँ पर कैदी सारे बैठे हुए हैं जो आते हैं जेलों से सेंट्रल जेल से और मलिर जेल से और ये जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बिल्डिंग है सलानी के बॉर्डर लगा हुआ है गेमा गेमी है खाने पीने के आइटम भी चल रहे हैं और ये जो है अपना ब्लॉक एफ देखा आपने सीढ़ियाँ भी स्टेयर्स भी फुल हैं बिल्कुल हर चीज़ फुल है बहुत ही रश होता है यहाँ पर यार दो एक बज के 20 मिनट है क्या टाइम हो रहा है इस वक्त आज क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा हूँ दो तीन तो विटनेस चला चुका हूँ आज सुबह से मेरे क्रॉस एग्जामिनेशन ही चल रहा है आज सुबह से क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा हूँ अभी भी मैं क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में फिर दोबारा मिलता है एक जो है वो
अब इस वक्त जो है केस ख़त्म करने के बाद मैं मस्जिद कोर्ट से घर की जानेब रवाना हूँ, खाना खा के फिर दोबारा ऑफिस। ज़िंदगी जो है बड़ी मसरूफ़ है, मसरूफ़ ज़िंदगी में अपने आप को मसरूफ़ रखो हमेशा। इस वक्त मैं सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ और घर की जानेब रवाना हूँ। बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी, देखें आपको जॉय। सिटी कोर्ट में आज का काम ख़त्म हुआ, अब मैं जो है बस निकल रहा हूँ। बड़ी भूख लगती है शदीद किस्म की। पुरानी बिल्डिंग को क्रॉस करके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, शॉर्टकट मारता है। दोस्तों इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा कोर्ट एक्टिविटीज़ का। अगर आए तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और अपने अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर आगे नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।